पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जब सैकड़ों छात्रों ने नबन्ना मार्च के तहत सचिवालय भवन का घेराव किया तो पुलिस ने उनका रास्ता रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया और पानी की बौछारें की। इस दौरान एक बुजुर्ग गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में तिरंगा लिए विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। ये बुजुर्ग जब आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन पर जमकर पानी की बौछार कर दी। ऐसे में इस बुजुर्ग ने पुलिस की ओर देखते हुए इशारों ही इशारों में कुछ ऐसा कह दिया जिसे देख ममता सरकार को जरूर शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। हावड़ा ब्रिज के नजदीक एक बुजुर्ग विरोध प्रदर्शन करता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस किसी को भी आगे बढ़ने देना नहीं चाहती थी। ऐसे में पुलिस के सामने जो आया उसे पानी की बौछार मारकर पीछे खदेड़ दिया गया। एक बुजुर्ग पर जब पानी की बौछार की गई तो उसने पुलिस को देखा और इशारों ही इशारों में पहले कहा और पानी डालो, फिर कुछ मुंह की तरफ कुछ अन्य इशारा किया, फिर पुलिस की ओर देखकर दोनों हाथों से इशारा किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बुजुर्ग पुलिस को इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये सांतरागाछी का इलाका है और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इस तरह से बैरिकेड टूटने के बाद पुलिस से आंसू गैस के गोले जो है वो दागे और साथ ही लाठी चार्ज भी किया प्रदर्शनकारियों पर। लेकिन अभी आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि इस तरह से पुलिस उनको पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक और रैली है जो आकर यहाँ पहुंची है और पुलिस की तरफ से उन्हें पीछे खदेड़ने का काम किया जा रहा है। ये देखिए लाठी चार्ज बिल्कुल हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरह से पुलिस से पहले लाठी चार्ज किया और उसके बाद उसे अभी पकड़कर जो है आगे लेकर जा रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए किस तरह से उसे पकड़ा जा रहा है। कुछ देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको एक के बाद एक जो है पुलिस गिरफ्तार कर रहे हैं और उसे यहाँ पर पकड़ा जा रहा है और लगातार लाठीचार्ज करते हुए इस पूरे इलाके को पुलिस से खाली किया है। यहाँ पर एक और रैली आकर पहुंची थी और फिलहाल पुलिस से उनको पीछे खदेड़ दिया है। लगातार यहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा था, लाठीचार्ज कर जो है उन्होंने आगे की कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार भी किया। और देखिए जो महिलाएं हैं उनको कह रहे हैं यहाँ से चले जाने के लिए, लेकिन साफ हो गया है तस्वीरों में किस तरह से ये लोग जो यहाँ पर पहुंचे थे अब फिलहाल पुलिस उन्हें पुशबैक कर दिया है। उन्हें पीछे खदेड़ने के बाद पुलिस अब फिर एक बार अपने पोजीशन पर आकर पहुंच गई है और अब जो है बैरिकेड से कई दूर जो है यहाँ पर पहुंच गई है पुलिस, क्योंकि वो नहीं चाहती फिर एक बार जो है बैरिकेड के पास पहुंचे। किस तरह से तनावपूर्ण यहाँ पे परिस्थिति हो गई थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था प्रदर्शनकारियों पर और साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही बैरिकेड टूटा और जो सीनियर ऑफिसर है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर एक देखिए आप देखिए किस तरह से देखिए उसको पकड़ के लेकर जा रहे हैं। देखिए प्रदर्शनकारी को जो है किस तरह से एक एक कर गिरफ्तार कर लेकर जाया जा रहा है, उनको डिटेन कर रहे हैं। देखिए लाठीचार्ज भी किया गया, अभी अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो उसे भी पुलिस इस तरीके से जो है लेकर जा रही। देखिए ये महिला का आरोप है वो मार्च में नहीं आई थी, वो साइड में थी, फिर भी उनको गिरफ्तार करके लेकर जा रही। देखिए जिन्होंने इस मार्च में हिस्सा भी न लिया हो और वो शामिल भी नहीं हुई थी, लेकिन उनको जो है गिरफ्तार कर लेकर जा रही यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी। बता दें कि सैकड़ों युवकों ने मंगलवार को दो जगहों पर नबन्ना अभियान शुरू किया जिन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। अभियान में मुख्य रूप से युवा शामिल हैं जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक चिकित्सक से रेप के बाद उसकी हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मुद्दा क्या है, 1 बजे शुरू होगा, आप लोग अभी से गैदर कर रहे हो, क्या मेन मुद्दा है? हम लोग यहाँ पर आया नवान्न अभियान के लिए। क्यों ये नवान्न अभियान? इसलिए 15 दिन पहले आरजीकर हॉस्पिटल वहाँ पर हमारा एक बहन डॉक्टर प्लस छात्री
तो निशंस भावे रेप एंड खून हुआ, इसलिए हम लोग प्रतिवाद करने के लिए आया, क्योंकि हमारा जिनी जो चीफ मिनिस्टर है ममता मोहन बनर्जी, उनको अंदर हेल्थ मिनिस्टर है, उनको अंदर स्वराष्ट्र दफ्तर है, इसीलिए उनको जो काम था वो काम सही से नहीं कर पाया। हम लोग निरापत्ताहीनता भोग रहे हो, इसीलिए हमारा ये प्रतिवाद। बात बताइए, पुलिस की तरफ से देखा गया है कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयड है, बहुत सारा पुलिस फोर्स है, और पुलिस बोल रहा है कि आज वायलेंस एंटिसिपेटेड है, क्या ऐसे कोई प्लानिंग है? हम लोग शांतिपूर्ण अवस्थान कर रहा हूँ एवं नवान्नों में जाऊंगा, लेकिन पुलिस प्रशासन हमको साथ जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही होगा उत्तर। हम लोग शांतिपूर्ण ही चाहता है, जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं ये शांतिपूर्ण करना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड जाना चाहिए, ये हम लोग खड़ा हो इस प्रतिवाद कर रहा हूँ। हमारा मेन मुद्दा है तिलोत्तमा को जिस तरह से उनको रेप करके उनको हत्या किया है, तो उन्हीं की सुविचार पाने के लिए हम प्रतिवाद में शामिल है। हमारा एक ही मुद्दा है, दफा एक दाबी एक, मुख्यमंत्री पदत्याग। और नीलोत्तमा का जो खूनी दोषी रेपिस्ट है, उन लोगों का हम लोग फांसी चाहिए, और जल्द से जल्द उन लोगों का पकड़ना चाहिए। हम लोगों का एक ही मांग है कि हमको जस्टिस मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री को आप, हम लोग अभी मुख्यमंत्री एकदम फेलियर है, वेस्ट बंगाल को कुछ भी निरापत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री टोटली फेलियर है। तो इसलिए हम लोग जो एक डॉक्टर, एक वर्किंग डॉक्टर ऑन ड्यूटी जिसका रेप हो जाता है, और उस मुख्यमंत्री में अभी तक इतना दिन हो चुका है कुछ भी जस्टिस नहीं मिला है, तो हम लोग क्या लेके आज रास्ते में निकलेंगे, क्या लेके हम लोग अपने काम पे जाएंगे? आज हम लोगों के पास एक ही नारा, हम लोगों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा था, हम लोगों के अंदर शासक दल का बहुत सारा दुष्कृति मिल गए थे, उन लोगों को हम लोगों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया मीडिया भाइयों के कैमरा में वो दिखाई देगा, हमने हाथ जोड़ के उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग मत मारिए, ये हम लोगों का शांतिपूर्ण जमायत है, बट उन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी और पुलिस की तरफ ईंट फेंका, हम लोगों की तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हुआ है। नवन्ना पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि इसी कारण से आरजीकर अस्पताल की घटना घटी, जिसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुआ। छात्र संगठन, छात्र समाज और राज्य सरकार के कर्मचारियों के संग्रामी जोथा मंच द्वारा आयोजित मार्च उत्तर कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर और हावड़ा के संतरागाची से शुरू हुआ। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी, जिसके बीच छात्रों ने ये मार्च निकाला।